उन्नाव रेप पीड़िता के कार एक्सीडेंट के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया है कि रेप केस के मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहन का कहना है कि विधायक के समर्थक लगातार सुलह और समझौते की बात कर रहे थे। हमें तो लगता है इनके आदमी जो है ना, ऐसे पुष्पा रोज उन्नाव जाती थी तो कुछ नहीं होता था, और जब सिपाही आई ना तो इसीलिए इनके आदमी जो नहीं है पीछे लग जाते हैं, गवाह खत्म करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। हमें तो लगता है एक्सीडेंट करवाया गया है, क्योंकि हर जगह उनके आदमी बीत जाते हैं। वहीं जिले के एसपी का कहना है कि पीड़िता को पूरी तरह से पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी इस पर जांच कराई जाएगी। ये पीड़िता का घर माखी पड़ता है, जो थाना माखी के अंतर्गत है। माखी कांड के बाद से उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था निरंतर चल रही है, और वर्तमान समय में उनके घर पर एक दिन की एपी गार्ड और दो महिला कांस्टेबल उनके घर पर ड्यूटी में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के साथ एक गनर पुरुष सशस्त्र और दो महिला कांस्टेबल लगी हुई है, जो उनके साथ हमेशा बनी रहती है। आज क्यों नहीं थी उनके साथ? आज वो किन परिस्थितियों में उनके साथ नहीं गई हैं, इसकी जांच मेरे द्वारा कराई जा रही है। जांच के बाद जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि ये एक्सीडेंट हादसा है या साजिश। बता दें, रविवार को उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी बिना नंबर प्लेट के एक ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें रेप पीड़िता की चाची और उसकी मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता अभी भी अस्पताल में एडमिट है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये एक्सीडेंट काफी भयानक था, जिसमें गाड़ी के तो परखच्चे ही उड़ गए। वहीं दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विधायक पर आरोप लगाया है और ट्वीट भी किया है कि वो रेप पीड़िता से मिलने पहुंची हैं। बता दें, बाहुबली बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप का आरोप लगा था, और उनके भाई अतुल सिंह पर पीड़िता के पिता की हत्या का मामला भी दर्ज है, जिसके बाद इन सभी मामलों में कोर्ट की सुनवाई चल रही है। नवोदय टाइम्स के लिए शाबान मलिक के साथ करुणा ठाकुर, उन्नाव, यूपी।